जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे प्रीवियस टॉपिक पे बेस्ड होगा, उसी के सारे कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होने वाले हैं। तो जैसा कि जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे अपने वीडियोज में, और आज के हम वीडियो में पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत ही मजा आने वाली है इस टॉपिक में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे साथ आप उसको पढ़ेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है नल ए किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 45 मिनट में भर सकता है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको हम रिलेट करेंगे टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चन बनते थे कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इसी काम को इतने दिन में कर लेता है, तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो वहां पे कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में यानी अपने पिछले दिनों में काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ पे सीखना है। तो जैसे हमसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है कि जो टैंक ए है, सॉरी जो नल ए है वो इसको कितने मिनट में 30 मिनट में भरता है और नल बी कितने मिनट में भर रहा है तो 45 मिनट ले रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे इसके बाद हम इन दोनों का एक ऐसा नंबर सर्च कर रहे थे जो इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो, तो वो क्या होगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। क्या होगा, दोनों नंबर का एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 30 और 45 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 360। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है, इन दोनों नलों की इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेनी है। तो इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट होगी, ये हमारा जो टोटल वर्क है, ठीक है, यानी इतना हमें पानी भरना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क को हम इनके डेज से डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो जब इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 12 आने वाला है, ओके, और यहाँ पे कितना आएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगी, यानी ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब इन ये दोनों टैंक एक साथ, सॉरी दोनों नल एक साथ काम करेंगे, ठीक है, तो ये अपनी इफिशियंसी से करेंगे दोनों तो क्या हो जाएंगे, इनकी इफिशियंसी प्लस हो जाएगी, और हमें वर्क कितना कराना है यानी कितना पानी भराना है 360, और भरेंगे अपनी इफिशियंसी तो ए की इफिशियंसी 12 है प्लस बी भी आएगा साथ में तो बी की इफिशियंसी कितनी है 8 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको प्लस कर लेते हैं, तो फिर आगे कैलकुलेट करेंगे तो 360 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20, यहाँ से फर्दर कैलकुलेट करके कितना निकल के आ जाएगा 18 मिनट। ओके, यानी अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा 18 मिनट लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इसका राइट आंसर, तो आप बी को टिक कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वर्क एंड टाइम से इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है एक पाइप एक टंकी को 24 मिनट में भर सकती है जबकि एक दूसरी पाइप उसी टंकी को 72 मिनट में खाली कर सकती है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो दूसरी पाइप को खाली कर रही है, दोनों पाइप एक साथ खोल देने पे टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम इसका सोल्यूशन बताएंगे कि यहाँ पे आपको किस पॉइंट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए और फिर हमारे सोल्यूशन से इसको मैच कराइए। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फर्स्ट पाइप है उसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ए मान ले रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पाइप है उसको ए मान ले रहे हैं, तो ये कितने मिनट में भर सकती है 24 मिनट में भर सकती है। ठीक है, और जो दूसरी पाइप है उसको हम बी मान ले रहे हैं, तो वो क्या कर रही है 72 मिनट में इस टैंक को खाली कर दे रही है, तो इसकी इफिशियंसी क्या लेके चलेंगे, जो खाली कर रही है उसको हम नेगेटिव मान के चलेंगे। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 72। ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया जो हमको कराना है। ठीक, अब हमें इनकी इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है, तो 72 को जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 3, यानी जो ए की इफिशियंसी से वो 3 है। ठीक है, यानी ए एक मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है, ए भर रहा है इसलिए इसकी इफिशियंसी पॉजिटिव होगी, और बी की इफिशियंसी देख लेते हैं तो बी की इफिशियंसी 1 आएगी और ये खाली कर रहा है इसलिए हम इसको निगेटिव मान के चलेंगे। ठीक,
अब हमें क्या करना है, दोनों पाइप एक साथ खोल देने हैं, ठीक है। तो दोनों पाइप जब एक साथ खोलेंगे तो ए क्या करेगा, 3 लीटर भर देगा और बी उसी में से उतने ही टाइम में 1 लीटर निकाल देगा। तो जहाँ जो यहाँ पे टोटल हमें गेन मिलने वाला है वाटर का, वो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरा जाएगा और भरना हमको कितना है, 72 लीटर, ठीक है। तो 72 लीटर और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना निकल के आ जाएगा, 36, यानी 36 मिनट लगेंगे इसको टैंक को भरने में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो मेरे साथ आप भी क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं और फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है। अब दूसरा नल टंकी भरने में और कितना समय लेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों नल बराबर यानी कंटिन्यू काम नहीं कर रहे हैं, पहले दोनों को खोला जा रहा है और फिर किसी एक को बंद कर दिया जा रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप कैसे डील करेंगे, बहुत कम समय में इनका बेस्ट अप्रोच यहाँ से हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमें बताया गया स्टार्टिंग में, यहाँ पहला और दूसरा नल इनकी टाइमिंग दे रखी है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड नल हो गया, ठीक है। पहला नल कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट, और दूसरा नल 18 मिनट का टाइम ले रहा है इनको भरने में। अब इसके आगे का तो प्रोसीजर आप लोग जानते हैं, क्या करना है हमें, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। यहाँ से इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 3, और सेकेंड नल की कितनी आ जाएगी, 2, ठीक। अब क्या होता है, 2 मिनट तक ये दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी 2 मिनट तक एक साथ काम करेंगे तो कितना वर्क हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, 1 मिनट में 3 यूनिट काम करता है और दूसरा 2 यूनिट काम करता है। तो 1 मिनट में जो एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट कर ले रहे हैं, और 2 मिनट तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। यानी 10 यूनिट या 2 मिनट में भर देंगे। अब जो बचेगा उसको ही तो बी भरेगा, तो 36 हमारा टोटल था जिसमें से 10 यूनिट भर जा चुका है, बचेगा कितना, 16, ओके। अब कौन भरेगा, तो बी भरेगा, ठीक है। और जब बी भरेगा तो अपनी इफिशियंसी से भरेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 26 आएगा, ठीक है। तो 26 लीटर अभी भरना है और बी अपनी एफिशिएंसी से भरेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 13। यानी अगर बी भरेगा तो इसको और 13 मिनट लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दे रखा है, ठीक। अब यहीं पे इस क्वेश्चन में दूसरा यह भी पूछ सकता था कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो टैंक कंप्लीटली भरने में 2 मिनट तो पहले यहाँ पे वर्क हुआ, 2 मिनट ये, और बाद में 13 मिनट तक बी ने भरा है, ठीक है। तो 13 + 2 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगा, तो वो 15 मिनट होता। यहाँ पे कह दिया है दूसरा नल और कितना समय लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे, यानी आप भी इसको जामा पहनाएंगे मेरे साथ साथ। यहाँ पे कहा गया है, दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 45 और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ टैंक भरना शुरू करते हैं, लेकिन नल ए कुछ मिनट बाद बंद हो जाता है और शेष भाग बी 23 मिनट में भर देता है। कितने मिनट के बाद नल ए बंद हो गया, ये आपको बताना है, ठीक। तो मेरे साथ साथ इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जब पहला इन्फॉर्मेशन दी है हमको, वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए भर रहा है इसको 45 मिनट में, और जो दूसरा नल है बी वो भर रहा है इसको 40 मिनट में। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो आसानी से हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, 360। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ए की एफिशिएंसी 8 आ जाएगी, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब यहाँ से जो आगे बताया गया है कि ये दोनों नल एक साथ भरना शुरू करते हैं, लेकिन ए बंद हो जाता है और बी शेष काम को 23 मिनट में, बी 23 मिनट में शेष भाग को भर देता है। तो बी ने क्या काम किया, बी ने आखिरी के 23 मिनट अकेले काम किया है। तो यहाँ 23 मिनट में इसने कितना वर्क कर लिया होगा, ठीक। तो हम देख सकते हैं 23 मिनट में ये 9 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो यहाँ से इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 27 का 7, ओके, और यहाँ पे 2, यानी ये 207 क्या कर देगा, खुद ही 23 मिनट में अकेला भर देगा। और भरना कितना था इसको, 360 भरना था। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही तो ए और बी ने भरा होगा,
तो रिमेनिंग पार्ट हम इसका निकाल लेते हैं, 360 से हम 270 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 3, ये 5 और ये 1, ठीक है। यानी 153 जो भाग होगा, 153 यूनिट जो काम होगा वो कौन कर रहा होगा, ए और बी एक साथ मिलकर कर रहे होंगे। तो 153 और ए एक साथ काम करेंगे, यानी 8 की एफिशिएंसी से ए करेगा और 9 की एफिशिएंसी से बी करेगा, इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी हो जाएगी 17। और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 9 मिनट, यानी ए और बी 9 मिनट तक एक साथ काम किए हैं, उसके बाद में नल ए बंद हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि नल ए कब बंद हुआ, तो काम स्टार्ट होने के 9 मिनट बाद ए बंद हो गया, जो कि राइट आंसर ए में दे रखा है 9 मिनट, तो हम ए को टिक कर देंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, 3 नल ए बी सी किसी टैंक को अलग अलग 10 मिनट 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा अंतर हमको दिखाई दे रहा है कि अभी तक जिन क्वेश्चनों पे हमने काम किया वहां पे 2 नल हुआ करते थे, इसमें 3 नल हैं, तो ये भी उसी मेथड पे होगा, 3 होते 4 होते 5 होते, उसी मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, एलसीएम मेथड से। तो यहाँ पे 3 के साथ हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो जैसी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी और सी, ये कि ए कितने मिनट में फिल कर रहा है, 10 मिनट में, बी इसको 12 मिनट में फिल कर दे रहा है और सी 15 मिनट ले रहा है इसको फिल करने में। अब हमें क्या करना है, 2 थे तो 2 का एलसीएम ले रखे, अगर 3 नंबर लेने दे रखे हैं तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तो जब हम यहाँ तीनों का एलसीएम लेंगे 10 12 और 15 का, तो कितना निकल के आ जाएगा 60। ओके, एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा, अगर नहीं आता तो एक बार हम यहाँ बता देते हैं, 10 हो गया ये, 12 हो गया ये, 15, ठीक है। इसके क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसको 2 से 6 हो जाएगा, इस 2 से नहीं जाएगा तो इसको 15 ही रखेंगे। फिर हम देख सकते हैं यहाँ से 5 ये 1 हो जाएगा और ये 6 ही रहेगा, ये 3 टाइम चला जाएगा। फिर यहाँ से 3, ओके, ये 1 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ 2 से करेंगे ये 1 1 1 हो जाएगा, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक नीचे 1 1 1 नहीं आता, ठीक। अब हम यहाँ एलसीएम देख पा रहे हैं, इन सबका क्या होगा, इन सबका प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो इनका प्रोडक्ट हम जब निकालेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 बार आया, ठीक, 3 × 5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 60। तो जिन लोगों का एलसीएम नहीं आता है वो इस तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है, 60 आएगा। अब इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, बी की 4 आ जाएगी यहाँ से, और सी की 3 आ जाएगी, ठीक। अब हमें यहाँ से क्या करना है, सॉरी, यहाँ से जो बी की एफिशिएंसी होगी वो 5 होगी, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 60 को जो 15 से डिवाइड करेंगे, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक। अब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो देख सकते हैं ए कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट, बी 5 और ए, सॉरी, सी 4 यूनिट काम कर रहा है। ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एक साथ जुड़ जाएगी, और काम हमें कितना कराना है, 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट ये काम करेंगे और एक साथ काम करेंगे, यानी 6 + 5 + 4, इसको ऐड कर लेंगे, नीचे हो जाएगा हमारा 15, ऊपर 60, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 4 मिनट हमें यहाँ पर टाइम लगेगा जब ये तीनों एक साथ भरेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो 3 होते 4 होते, हम इसी मेथड से इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं, और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया है, एक पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, टंकी में एक निकासी छिद्र होने के कारण, ठीक है, टैंक को नल ए भरने में 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो छेद भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, तो इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम पहले लिख लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक पहला नल है, ठीक है, इसको कितना मिनट ले रहा है भरने में, 30 मिनट ले रहा है, ठीक है। जब छिद्र नहीं है तो इसको 30 मिनट में भर सकता है, और अगर छेद है, यानी छेद को हम अगर सेकेंड नल मान सकते हैं, यानी तो यहाँ पे ये दोनों एक साथ जब ओपन होते हैं तो कितना टाइम लेता है, तो 30 मिनट तो पहले ले रहा था, 20 मिनट अधिक ले रहा है, यानी इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 50 मिनट, ठीक। अब देख पा रहे हैं यहाँ से इनकी जो टोटल वर्क होगा वो निकाल पाएंगे यहाँ से, तो कैसे निकलेगा, उसको एलसीएम ले लेंगे इन दोनों नंबर का, तो इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 150। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ये कितनी हो जाएगी, 5, और ये कितनी हो जाएगी, 3। जो नल पहला नल है वो इसको भर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, प्लस होगी, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों की एफिशिएंसी
पहले वाले नल से कम है, यानी अकेले ए की कितनी है 5 है और इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है 3 है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है जो दूसरा नल है उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो दूसरा नल है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, माइनस का 2 होगी। ठीक, तो माइनस 2 होगी। अगर इसको हम 150 लीटर पानी निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है, तो 1 मिनट में ये 2 लीटर खाली कर देता है और इसको खाली कितना करना है 150 लीटर। तो हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 75 मिनट, यानी ये टाइम कितने मिनट में खाली हो जाएगा 75 मिनट में खाली हो जाएगा। आई थिंक कुछ ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पे 75 होना चाहिए था जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते पढ़ते करने वाले हैं और आप भी ये प्रैक्टिस डालेंगे कि इसको हम पढ़ते पढ़ते इसको कैसे करेंगे। तो इसकी पहली लाइन देखते हैं जिसमें क्या कहा गया है, पाइप पी तथा क्यू टैंक को क्रमशः 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी है, पी कितने मिनट में 10 मिनट में भर रहा है और क्यू उसको 12 मिनट में भर दे रहा है। आगे पढ़ते हैं, तथा तीसरा पाइप आर है उसी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो आर को क्या करते हैं हम, यहाँ ये खाली कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी निगेटिव लेके चलेंगे जो कि 6 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो ये क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। यहाँ से इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 ले लेते हैं। ठीक, अब देख पा रहे हैं क्या निकालना है, यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, ये प्लस में रहेगी क्योंकि पी भर रहा है। ठीक, क्यू भी भर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, ये भी प्लस में रहेगी। और आर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं 10 आएगी और ये माइनस में रहेगी क्योंकि आर क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि तीनों पाइप एक साथ 7 AM यानी सुबह 7 बजे खोल दिए जाते हैं, तो टैंक का 1/4 भाग कब तक भर जाएगा ये हमसे पूछा गया। ठीक है, टैंक पूरा नहीं भरना, यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि 1/4 भाग लेना है इसमें इसका। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 60 इसके पूरी कैपेसिटी है, इसका 1/4 कितना होगा, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं कितना निकल जाए, क्या आ जाएगा 15, यानी 15 यूनिट भरना है और तीनों एक साथ भरेंगे। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 11 हो जाएगा, और यहाँ जो आर की एफिशिएंसी है माइनस की 10 है, तो जो प्लस की एफिशिएंसी आएगी वो 1 यूनिट आएगी। ठीक, यानी यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, 15 यूनिट भरना है और 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना भर रहा है, 1 आवर 1 यूनिट। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 15 आवर। ठीक है, यानी 15 घंटे में इसको भर जाना है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि जो तीनों नल है वो कितने बजे खोले गए थे, तो सुबह 7 बजे खोले गए थे, सुबह 7 से 10 यानी 15 घंटे और हमें टाइम लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 7 और 12 इसमें से निकालेंगे तो शाम के 7 बज जाएंगे, और 12 यहाँ से निकालेंगे फिर इसमें कितना बचेगा 3, यानी 10 बजे तक भरेगी, वो भी शाम के 10 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये सुबह के एएम है यानी सुबह का 10 बजे का टाइम है और पीएम ये शाम का 10 बजे का टाइम है, तो शाम को 10 बजे टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। तो आता है अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 24 और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक खाली करने वाला नल टैंक में से 30 लीटर पर मिनट की दर से पानी बहाता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 1 घंटे में भर जाता है। तो टैंक की धारिता यानी टंकी की कैपेसिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि हमें तीसरे टैंक का क्या टाइमिंग ना दे करके उसका क्या दे दिया है यहाँ पे कि 30 लीटर पर मिनट उसकी कैपेसिटी दे दी है। ठीक है, उसकी इफिशियंसी दे दी है और टाइमिंग ना दी है यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से आपको हम यह सिखाने वाले हैं। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लेते हैं, यानी दो नल, पहला नल मान लेते हैं, ये दूसरा है और ये तीसरा नल है। ठीक, तो पहला नल इसको 24 मिनट में भर रहा है, ओके, दूसरा नल 40 मिनट भर दे रहा है, और जब तीनों एक साथ काम करेंगे यानी पहला प्लस दूसरा प्लस जो खाली करने वाला उसको थर्ड मान के चल रहे हैं, ये कितने 1 घंटे में भर देते हैं। तो 1 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। इन तीनों के क्या निकालना है, यहाँ से हमें एलसीएम लेना है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से इफिशियंसी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी पहले की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और सेकेंड वाले की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ से देख पा रहे हैं इन तीनों की कंबाइन इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 120 को 60 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो पहला नल है वो 5 की इफिशियंसी से भर रहा था, दूसरा नल इसको 3 की एफिशिएंसी से भर रहा था। ठीक है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जा रही है, 8 हो जा रही है, बट यहाँ पे जो तीसरा नल है उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है, और वो कितना
कितनी है, तो इन तीनों की जब एफिशिएंसी आती कंबाइन तो वो दो है, और यहाँ दो की एफिशिएंसी कितनी, आठ है, यानी जो तीसरा नल है वो सिक्स की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, माइनस सिक्स की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ठीक है। तो जो तीसरे नल की एफिशिएंसी हमें पता चल गई। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दी गई उसको देखेंगे ध्यान से। ये 30 लीटर एक मिनट में पानी बहा देता है, यानी यहाँ से जो सिक्स की एफिशिएंसी है इससे कितना, 30 लीटर एक मिनट में पानी बहा देता है। इसका जो सिक्स यूनिट है वर्क वो किसके बराबर होगा, 30 लीटर पर मिनट के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ से पानी देख सकते हैं कितना है हमारा, 120, तो यहाँ हमें 120 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 120 बन जाए, तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर इसकी कैपेसिटी कितनी मानी थी हमने, 120, इसलिए 120 की वैल्यू निकाली है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि लीटर में कितना हो जाएगा, 30 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 निकल के आ जाएगा, ठीक। ये जो हमने 120 मानी थी ये क्या है, इसकी कैपेसिटी है, और जो किसके बराबर है अगर लीटर में देखें तो 600 लीटर, यानी जो रियल में टैंक की कैपेसिटी वो कितनी है, 600, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो कैपेसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, और ये बेस्ट मेथड है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, एक नल ए किसी टैंक के 1/3 भाग को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टैंक के 1/6 भाग को 15 मिनट में भर सकता है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो अलग है वही मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि ए पूरा भाग ना भर के 1/3 भाग का टाइम दे दिया है, तो यहाँ से हम इसको कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं, यानी 1/3 भाग ए भर रहा है और कितना टाइम ले रहा है, 15 मिनट। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए इस टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितना टाइम लेगा, तो यहाँ से ए निकाल लेते हैं, हम देख पा रहे हैं ए यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 45 मिनट, ठीक। इसको यहाँ इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही बी 1/6 भाग कितने में कर रहा है, 15 मिनट में कर रहा है, ठीक। तो बी इस पूरे टैंक को कितना टाइम लेगा भरने में, ठीक, वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 15 से 90, ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 मिनट लेगा। अब जो हमारा क्वेश्चन बन गया वो पहले जैसा ही हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इतने मिनट में भर रहा है, बी इतने मिनट में भर रहा है, तो इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी यहाँ से हमें टोटल वर्क डन, ये एलसीएम हो जाएगा, ये क्या होगा, टोटल वर्क डन, इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी अगर ये दोनों एक साथ भरेंगे तो 90 यूनिट इनको काम करना है, ए कर रहा है 2 की एफिशिएंसी से और बी कर रहा है 1 की एफिशिएंसी से, यहाँ से देख पा रहे हैं कितना निकल के आ जाएगा, ये 30 मिनट। 30 मिनट में दोनों टैंक को पूरी तरीके से भर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दे रखा है, तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत इन्जॉय आया होगा, और ये क्वेश्चन थे जो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे, इसके अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं, और जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इतना तो कर ही दीजिएगा, वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं यहाँ लिए जाते हैं आपसे, और जो भी कंटेंट दिया जाता है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो इतनी उम्मीद रख ही सकते हैं, और इसको स्टडी ग्रुप में अपने शेयर करना ना भूलें, और हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।